मॉर्निंग एवरी वन टुडे इज थर्टीन मार्च 2021 ट्वेंटी एंड uh, जल्दी से हम द हिंदू का पहला जो पेज है वो देख लेते हैं सो द फर्स्ट न्यूज़ इज़ क्वैड लीडर्स फॉर ओपन फ्री इंडो पैसिफिक ओके सो पहला न्यूज़ जो है क्वैड लीडर्स जो था वो फर्स्ट वर्चुअल समिट जो हुई अभी रिसेंटली कल जो हुई थी uh, उसमें मिले इंडिया uh, के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देन यू एस प्रेजिडेंट जो है बेडन बाइडन And then, Australia Prime Minister Scott Morrison and uh, uh, Japanese Prime Minister Yoshihide Suga. So, they met uh, through virtual uh, summit and they discussed various issues. So, basically, this summit is uh, based on the first vaccine, coronavirus ki vaccine development, second is climate change, and third is using of emerging technologies for global good. okay सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर बींग डिस्क इन द समिट सो लेट्स आगे क्या निकल के आता है ओके सेकेंड न्यूज इज ओके सो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट्स ब्यूरो के नॉट बी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स ओके सो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि ये जो आप कर रहे हैं कि आप uh, जैसे भी गोवा के केस में हुआ कि जो वहाँ का लॉ सेक्रेटरी है उसको एडिशनल चार्ज दे दिया गया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का तो इसके खिलाफ केस हुआ एंड देन सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट दिस इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव है इट शुड नॉट इंटरफेयर द वर्किंग एंड फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स कमीशन्स एंड अगर हम ब्यूरोक्रैट्स को ये पोजिशन दे देते हैं इतनी इम्पोर्टेंट पोजिशन तो फिर तो इंटरफेरेंस होगा ही एक और चीज़ है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी इंडिया के लेंथ एंड ब्रेथ में किसी को, कोई भी ऐसी स्टेट है जहाँ पे ऐसा कोई पोस्ट uh, कोई होल्ड करता है तो दे शुड गिव अप दैट पोस्ट इमीडिएटली ओके सो दैट्स ऑल फॉर द सेकेंड न्यूज़ देन इसमें थर्ड न्यूज़ है डी एम के रिटेन्स मैनी एक्स मिनिस्टर्स एम एल एज सो देेंबली इलेक्शन आर गोइंग टू बी हेल्ड इन तमिलनाडु सो डी एम के ने अराउंड वन सेवेंटी थ्री सीट्स पे कैंडिडेट्स um, उतारे हैं टोटल टू थर्टी फोर है इनका असेंबली सीट्स जो हैं तो टोटल डी एम के देख लें तो वन एटी सेवन कैंडिडेट्स उन्होंने विथ क्वालिशन uh, उन्होंने उतारा है राइजिंग सन सिम्बल है उसका एंड uh, देखते हैं असेंबली ले इलेक्शन में कौन जीतता है देन नेक्स्ट न्यूज इज नोवो वैक्स रिपोर्ट नाइनटी सिक्स पॉइंट फोर परसेंट एफिकेसी ऑन ओरिजिनल वायरस ओके सो नोवो वैक्स जो है ये यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है और इसने जो अभी रिसेंटली थर्ड फेज़ का ट्रायल किया उसमें 96.4 परसेंट की एफिकेसी बताई है अभी हमारी जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने भी एक एग्रीमेंट कर रखा है इसे तो दिस इस इज़ अ वेरी गुड साइन कि अगर 96.4 परसेंट इज़ वेरी गुड एफिकेसी रेट ओके नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिटेल इन्फ्लेशन एट थ्री मंथ हाई ऑफ फाइव तो जनवरी में ये फोर था और अब ये फाइव हो गया है और मेजरली इसमें राइज जो हुआ है वो फूड प्राइस uh, इन्फ्लेशन in, uh, जो है उसका हुआ है ओके okay? ठीक है उसके बाद है ये न्यूज़ इंडिया चाइना टू कंटिन्यू एलएसी टॉक्स सो डिसेजमेंट प्रोसेस जो है वो चल ही रहा है तो uh, ये बोला गया है इंडिया और चाइना के साइड से कि जल्दी से जल्दी एज सोन एज पॉसिबल वी विल होल्ड टॉक ऑन द डिसंगेजमेंट प्रोसेस ओके नेक्स्ट इज अंबानी बॉम्ब इज केयर लिंक टू आई एम मैन ओके सो so, uh, um, कल के न्यूज़ में ये था कि uh, एक टेलीग्राम चैनल फाइंड हुआ था कि जैशल हिंद जो है वो uh, जैशल हिंद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी एंड ये पाया गया कि ये जो टेलीग्राम चैनल है वो तिहाड़ जेल के आसपास या कहीं से ऑपरेट हो रहा है तो इसमें और रिसर्च मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही थी और इसमें पाया गया कि तिहाड़ जेल का एक मैंबर मतलब एक इनमेट है एक सेल में इंडियन मुजाहिदीन का मेम्बर है वहाँ पर तहसीन अख्तर ओके तो ये उसके पास एक डिवाइस पाया गया एक मोबाइल पाया गया जिससे अब ये खोज हो रही है बट ये देखा जा रहा है कि वेदर दिस वॉज़ यूज टू रन दैट टेलीग्राम चैनल और नॉट बट ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो यूज़ कर रहा था तो अच्छा कल के न्यूज़ में ये था कि जैशल हिंद जो है उसका कोई फॉरेन फंडिंग या फॉरेन एंटाइटीज जैसे टेररिस्ट आउटफिट्स हैं लाइक अलकायदा और एम और आई ah yes, इनसे कोई लिंक नहीं है बट अभी पाया गया कि आई का ही मेम्बर है ये तो आई होप ये जल्दी खत्म हो आज इसको खोज लिया जाए कि ये कौन ऑपरेट कर रहा है और उनका क्या एक्चुअल मोटिव है नेक्स्ट इज़ राजस्थान इन्फॉर्मेशन कमीशन पेनालाइजेस फाइव ऑफिशियल्स फॉर नेग्लिजेंस सो व्हाट इज हैपेन्ड इन राजस्थान बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऑफिशियल्स जो थे लोकल गवर्नमेंट के एंड पंचायती राज डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो थे उनके ऊपर फाइन लगाया गया है इसलिए क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी टाइम तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं की तो एक बंदे ने फिर um, केस लड़ा और इस पर फिर उन्हें और जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो भी दी गई फिर ओके हेयर इज सम पोलिटिकल न्यूज़ रिलेटेड टू बंगाल असेंबली इलेक्शन विच आर गोइंग टू भी हेल्थ जल्दी होने वाले हैं एंड फार्म यूनियन लीडर्स जो हैं अंडर संयुक्त किसान मोर्चा उन्होंने बोला है कि टीच बीजेपी ए लेसन ओके वी वी हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट थ्री लॉज फ्रॉम ऑलमोस्ट वन हंड्रेड फाइव डेज एंड कुछ हो नहीं रहा है तो वो बंगाल के जो फार्मर्स हैं जो लोग हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि वोट अगेंस्ट द बीजेपी ओके आई एम नॉट दैट कि आप किसी एक पार्टी के लिए वोट करो बट बीजेपी के अगेंस्ट वोट करो किसी भी पार्टी को करो बट बीजेपी के Against Guru. So, this is what they want. So, that's all for the first page. Thank you.